हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने घर की रसोई में। आज हम बनाएंगे पोटैटो लॉलीपॉप, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि ऑलमोस्ट सभी घरों में होता है। तो चलिए हम ये टेस्टी लॉलीपॉप बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है बॉयल आलू। उस बॉयल आलू को हमें ग्रेट करना है। आपके पास जैसा भी ग्रेटर हो आप उसमें ग्रेट कर लीजिएगा। आप यदि आलू के बड़े पीस होंगे, गुठलियाँ होंगी, तो लॉलीपॉप हमारा अच्छा नहीं बनेगा और फटने का भी डर रहेगा। तो सभी आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, जैसा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 स्पून रेड चिली पाउडर यूज़ किया है और 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, चाट मसाला 1 स्पून और इसमें हमने 1 नींबू का रस भी ऐड किया है इसके टेस्ट के लिए इसमें। और हमने यहाँ अदरक लहसुन को बारीक कट करके डाला है। इसमें हम अब ऐड करेंगे 1 स्पून मैदा, 1/2 कप ब्रेड क्रम्ब। ये नॉर्मल ब्रेड जो होता है उसी को हमने मिक्सी में पीस लिया और उसी का ब्रेड क्रम्ब बना के हमने यूज़ किया है। तो 1/2 कप ब्रेड क्रम्ब, इससे अच्छी बॉन्डिंग बनेगी इसकी। मैंने नमक डालना मैं भूल गई, इसमें नमक ऐड करिएगा क्योंकि इसमें चाट मसाला हम डाले हुए हैं, इसलिए नमक के हिसाब से ही डालिएगा। फिर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे लॉलीपॉप यानी बॉल बनाएंगे। जैसा कि इसका नाम है लॉलीपॉप, तो आपको लॉलीपॉप के साइज़ का ही बनाएंगे इसे हम। और इसे हमने यहाँ पे मैदे और पानी से एक घोल बनाया है, उसमें इसको डिप करेंगे। फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब की एक कोटिंग करेंगे ताकि ये ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से हम सभी बॉल को बना लेंगे। हमने यहाँ कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखा है। घी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसमें हम फ्राई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा जब हम लॉलीपॉप डालेंगे फ्राई करने के लिए तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इससे हमारा लॉलीपॉप बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसे हमें फ्राई करना है। अब हमें गैस का फ्लेम कम कर देना है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं, इसे साइड करके निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो ये निकल जाए। इसी तरीके से बाकी सभी बॉल को भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने सभी बॉल को फ्राई कर लिया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। आप इसे इवनिंग नाश्ते में या छोटी मोटी बच्चों की भूख के लिए आप बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।